मतलब दो दो कलर से मिलकर सेट बने, तीन कलर से, चार कलर से, पांच कलर से, जितने कलर से मिलकर सेट बने उसे ग्रेडियंट कहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर ग्रेडियंट बने बनाए नहीं है, इसमें ग्रेडियंट बने बनाए नहीं है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ शेप्स बनाते हैं, एक शेप ये बनाया हमने और इसी के तीन चार शेप बना दिए और उसको अलग अलग ग्रेडियंट देंगे। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर के शेप्स बनाए, जैसे एक शेप ये बनाया हमने, एक रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया। तो इस पर डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बने बनाए ग्रेडियंट्स जो इसके अंदर मौजूद है वो कहाँ पर मिलते हैं हमें? वो हमें मिलते हैं यहाँ से जाएंगे हम विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद हमें यहाँ मिलेगा ब्रशेस लाइब्रेरी और उसके बाद ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी और स्वेचेस लाइब्रेरी, इसके अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए कहीं ग्रेडियंट लिखा होगा, पढ़ लेते हैं। ये देखिए ग्रेडियंट लिखा है और ये पूरे ग्रेडियंट सिस्टम बने बनाए यहाँ से एक पे क्लिक करेंगे, ये एक का पैनल खुलेगा और वो सारे पैनल जिनके नाम आ रहे थे वो इसमें से आप एक एक करके भी ले सकते हैं अलग अलग, और यहाँ से नेक्स्ट करके भी ले सकते हैं। मतलब आप एक अलग से भी खोल सकते हैं, यहाँ से दोबारा गए थे हम यहाँ पे स्वेचेस में ग्रेडियंट में और यहाँ से देखें दो चाहे खोल में, और यहाँ से आप नेक्स्ट करके बैक करके यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं। तो कोई भी ग्रेडियंट किस पे लगाना है आपने पहले उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करना है, और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ग्रेडियंट इस तरह से इस पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के ग्रेडियंट जो लीनियर बेस होते हैं ये बेसिकली स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप पर अप्लाई हो रहे थे ईजिली, तो हम इस पर देखें अप्लाई कर रहे हैं। और भाई इस ग्रेडियंट के पैनल को थोड़ा सा उठा के अगर थोड़ा छोटा कर लें इसको यहाँ से, तो ये छोटा हो गया, इस तरह से लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं तो यहाँ से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लें तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए ये वाले रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल मतलब गोल शेप के ऊपर अप्लाई होंगे और उससे बेहतर आपको कंट्रास्ट के रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अब ये लीनियर है, ठीक, समझ में आ गई बात? ये रेडियल से अगर आप इस पर स्क्वायर पर रेडियल लगाएंगे तो ऐसा इफेक्ट देगा, लगा के देखो ऐसा इफेक्ट देगा। ठीक है, लाइट है, ग्रे है, बहुत सारे बड़े बड़े काफ़ी सारे ग्रेडियंट हैं, ये वाला ग्रेडियंट देखो। अच्छा, अब इस ग्रेडियंट को अप्लाई करने पे इनके शेड की सेटिंग करने के लिए भी टूल्स हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने इनका तीन शेड दिया, ये सेंटर से ही आ रहे हैं, मैं सेंटर से भी मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं इधर से जा रहा हूँ, तो फिर जिस पर ग्रेडियंट अप्लाई किया उस पर क्लिक करें और यहाँ से ग्रेडियंट का इफेक्ट ले लें। अब उस पर आप देखिए इसको यहाँ पे सेट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से फैला दें, तो ये देखिए इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उस पर क्लिक करके यहाँ से देना चाह रहे हैं सेट, इस इफेक्ट लेके ग्रेडियंट का यहाँ से फैला दें, इस तरह से फैला दें, तो ये देखिए इस तरह से इसको ग्रेडियंट सेट अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसको ऊपर से देना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से इसको इस तरीके से फैला दें, तो ये देखिए ऊपर की तरफ से ग्रेडियंट फैलाया जाएगा। तो देखिए हल्के से शेड से देखिए कितना इसका डायमेंशन और कितना इनके कंट्रास्ट में फर्क आ गया। सही है। अच्छा, अब ये जो मैंने इस पर क्लिक किया ग्रेडियंट टूल से, जब क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ? जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ग्रेडियंट टूल मैंने यहाँ से लिया तो ये आपको नजर आ रहा है कलर बार है। कलर बार जो है इसको क्या बता रहा है, इसमें तीन कलर शामिल है, एक दो तीन, और ये तीन कलर का डिस्टेंस है और डिस्टेंस के अंदर डेंसिटी बता रहा है। जिसकी तरफ ज्यादा करेंगे वो कलर ज्यादा उस पर आ जाएगा, जिसकी तरफ देख रहे हैं वो कलर कम ज्यादा हुआ डेंसिटी से, कितना ज़्यादा लाइट कितना डार्क रखना है, और यहाँ पे भी इसी तरह से कितना ज़्यादा लाइट और कितना ज़्यादा डार्क रखना है, वो इस तरह से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे जो कलर है बीच वाला इसको पकड़ के पूरे पूरे कलर को भी आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से मूव टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर ग्रेडियंट टूल लेते हैं, इस पर देखिए कि अगर डार्क साइड पर ज़्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ा कम कर दूँ तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ कर दूँ और इसको यहाँ से आगे और कर दूँ तो इस तरह से, और दोबारा से अगर शेड यहाँ से अप्लाई करना है या इस तरह से भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप ग्रेडियंट पे कर सकते हैं। सेम आप ये चीज़ स्क्वायर शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको फ्लैट करें और यहाँ से ग्रेडियंट ले लें, तो यहाँ पे बता रहा है कि इस पर रेडियल लगा हुआ है, इस पर आप ये वाला ग्रेडियंट लगा दें, तो इसको लगाने के लिए आपको पहले तो इसको फ्लैट करना होगा और फिर यहाँ से आगे करते हैं। ये सारे रेडियल इफेक्ट्स है, ओके, ये वाला लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये देखिए ऐसा लग गया। इसके ऊपर आप ग्रेडियंट का टूल लेंगे, यहाँ बता रहा है कि देखिए इसमें ये कलर शामिल है, ये कलर के टॉप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनके बीच के जो कलर के कॉम्बिनेशन को कम ज़्यादा करने के लिए यूज हो रहा है इसका, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कलर कौन सा कम ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा लेना है, कौन सा कम करना है, कैसे शेड को बनाना है, वो सारा आप यहाँ से इनको एडिट करके कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये तो थे बने बनाए ग्रेडियंट जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब अपना ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे? सही, अपना
दूसरा ग्रेडियंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैनल लेना पड़ेगा जिसका नाम ही ग्रेडियंट है, और वो आपको मिलेगा यहाँ पर विंडोज पैनल में आके। तो ये पैनल में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ये स्विचेस आ गया, ये कलर आ गया। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लेके चलेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अपना ग्रेडियंट बनाना है ब्लू के साथ का ना, तो मैंने इसको क्लिक किया और जैसे इसको क्लिक किया इसका ऑलरेडी ग्रेडियंट था, तो मैंने इसको एक सिंपल कलर दे दिया यहाँ पे ब्लू, ये डार्क ब्लू हो गया। अब इस डार्क ब्लू को पकड़ के लाके मैंने ग्रेडियंट वाले पे छोड़ दिया, ठीक है। और इसी ब्लू का लाइट वर्जन जो है मैंने यहाँ से ले लिया जो कि ये वाला था, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये दोनों आ गए और इसको क्लिक कर दिया। अब आपने इसको ऐसे समझना है ये जो कलर स्टॉक थे कम से कम दो तो रहेंगे, एक खत्म हो सकता है दो रहेंगे, तीन चार पाँच जितने चाहे कर लें और वो खत्म हो गया। तो इसको पकड़ के ला के मैंने कलर को यहाँ पे छोड़ दिया, क्लिक करके इसको रिमूव कर दिया, क्लिक करके यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब इसको मैंने एक साइड आपको अपनी बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए कि ये साइड में डार्क रखूंगा हमेशा और ये साइड लाइट रखूंगा। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये साइड हमेशा लाइट लाइट रखूंगा और ये साइड डार्क रखूंगा, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो सकती है अपने हिसाब से। यहाँ पे भी लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ये इससे बीच का कलर का आगे, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट आपने अपनी मर्जी का बनाया। अब इस ग्रेडियंट के अंदर अगर आपको चेंजेस करनी है, यहाँ क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो अब यहाँ पे कलर बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे भाई ये इसको थोड़ा सा और लाइट कर दो, तो ये थोड़ा लाइट हो गया इस तरह से, ठीक है। और इसको और ब्लू शेप में या स्काई ब्लू शेप में ले जाओ, तो यहाँ पे वो चीज भी आप कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू तीन कलर की हमारी, अब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो दोबारा से आ रहा है। अब कौन से कलर को ज़्यादा आप प्रेशर देना चाह रहे हैं तो उस टाइप से वो कलर बढ़ा दें, और कौन सा कम करना चाह रहे हैं वो यहाँ से कम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ग्रेडिंग टूल लेके फिर वही तरीका दोबारा भी कर सकते हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ये इसके ऊपर इस तरह से पड़े। अब क्योंकि ग्रेडिंग लीनियर है तो लीनियर ग्रेडिएंट सर्किल के ऊपर सही तरह अप्लाई नहीं हो पाता, तो हम इसके लिए यहाँ से रेडियल वाला ग्रेडिएंट टूल भी ले सकते हैं। फाइल यहाँ से रेडियल कर देंगे और ये इस तरह से नजर आएगा, और यहाँ से क्लिक करके इस तरह से ये अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर इसके ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसके ऊपर ग्रेडिएंट हमने खुद बना लिया इसके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट देना है तो यहाँ पे देखिए तीन कलर्स का ग्रेडियंट बना के बताता हूँ, दो कलर्स का भी बना के बताया। चले पहले दो कलर्स का आपको रेडियल लीनियर में बना के बताता हूँ। तो मेरे यहाँ से दो कलर्स कोई भी चूज करने हैं, तो यहाँ से मिल गया ऑप्शन और यहाँ से स्विचेस में से एक कलर लिया, तो कभी डार्क रेड ले लिया। अच्छा पहले ये ऑलरेडी मौजूद है तो उसको क्लिक करके पहले मैंने डार्क रेड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आ गया, उसको पकड़ के यहाँ पे डार्क रेड छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेडिएंट आ रहा है और ये ग्रेडिएंट हट नहीं रहा इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स भी होंगे ग्रेडिएंट की वजह से यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका लीनियर स्टाइल ले लेता हूँ, और लीनियर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके टूल कौन सा लिया हुआ है मूव टूल ले लेता हूँ यहाँ से, और मूव टूल लेके यहाँ पे ग्रेडिएंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वो नहीं हट रहा, कोई मसला नहीं है। यहाँ से उठा के ग्रेडिएंट को यहाँ पे ड्रॉप किया, इसको चार ग्रेडिएंट और तक पकड़ पकड़ के डिलीट कर दिया। डिलीट ऐसे भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे डिलीट करेंगे ऐसे भी डिलीट हो जाएंगे, और पकड़ के डिलीट करना चाहे तो पकड़ के डिलीट कर दें। अब ये डार्क रख दिया मैंने साइड को, और इसको नीचे कर दिया, और इसको नीचे कर दिया। अब एक रह गया उसके साथ मैंने लाइट रेड लेना है, तो लाइट रेड ये वाला लेके इसको रख दिया यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन इन दोनों में इतना फर्क नहीं था, फर्क यू नहीं था कि जो लाइट वाला है वो ज़्यादा लाइट नहीं है और डार्क वाला जो ज़्यादा डार्क है। क्लिक किया इसको पकड़ के कोने पर कर दिया। अब लाइट वाले को लाइट कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक किया तो दोबारा से खुल जाएगा। तो लाइट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और HSD ले लेंगे, ह्यू सैचुरेशन और ब्लू पे क्लिक करके इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइट करेंगे और यहाँ से थोड़ा लाइट करेंगे, तो ये देखिए इसका लाइट हो जाएगा। और जिसको डार्क करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टॉप पर, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे हो जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ से वही HSD ऑन कर लेना है, ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ से क्लिक करके इसको डार्क कर देंगे और यहाँ रेड का डार्क मोड ले लेंगे, तो ये ज़्यादा डार्क हो गया और ये थोड़ा सा लाइट रहेगा, ठीक है। तो ये डार्क लाइट इस तरह होता है। अब इसको लीनियर तरीके से अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और लीनियर मेथड में ये होता है कि दो कलर्स होते हैं, ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है, इसको आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी अप्लाई सकते हैं ग्रेडिएंट टूल पर, और इसको उल्टा भी कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको टेढ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट मेथड से आप ग्रेडिएंट इसके ऊपर दो कलर कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन बनाना हो आपको तो कैसे बनाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से, और स्क्रीन का रिफ्लेक्शन बनाने के लिए आपको ये दो कलर की चाहिए होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, दो से ज़्यादा कलर चाहिए होते हैं। जैसे अब इसका दो कलर तो चाहिए, एक क्लिक करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक, और यहाँ से इस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से कलर लेंगे, लाइट ग्रे लेंगे, ठीक है, स्क्रीन रिफ्लेक्शन बनाने के लिए। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ग्रे लेंगे, फिर उसके बाद उसका डार्क वाला लेंगे वर्जन, और उसके बाद उसके डार्क वाला वर्जन लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्क्रीन का
यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये स्क्रीन रिफ्लेक्शन ऐसा बनता है कि यहाँ पे क्लिक करा आपने, अब ये इस तरह का मामला होता है स्क्रीन रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे ऐसे किया और ये आपने आगे किया, ये देखिए कि स्क्रीन का रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या शीशे के ऊपर ग्लास के ऊपर एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसी रिफ्लेक्शन को आप ब्लू कलर में भी बना सकते हैं, अगर आप ब्लू कलर में बनाना चाह रहे हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अगर इसको देखें। अच्छा, अब ये वाला ग्रेडियंट जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है वो यहाँ चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, कोई भी कलर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो देखिए उसका अप्लाई हो जाएगा। अब उसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उसको नीचे लेकर आएंगे और ये टूल लेंगे। अब टूल लेने के बाद उसको आप ऐसे अप्लाई करेंगे इसको रेक्टेंगली, तो ये देखिए अप्लाई हो जाएगा। इसका कम ज़्यादा करना है रिफ्लेक्शन पर इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से लगा रहे हैं इस साइड से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी जिस तरह चाहें इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आप इसको डार्क और लाइट की बीच की डिफरेंसेज हैं उनको कम करेंगे तो बीच के अंदर लाइन क्रिएट होगी और जो लाइन क्रिएट होगी तो वो इस तरह से नजर आएगी। उसमें डार्क कलर को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं तो ये इस तरह के मामला भी इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह के रिफ्लेक्शन, अब ये तो मैंने बनाया कि विंडो का रिफ्लेक्शन बनाना हो तो ब्लू के अंदर रिफ्लेक्शन बनाना हो तो कैसे बनेगा। अब ब्लू का रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा, मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक लाइट ब्लू लेना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा डार्क ब्लू लेना पड़ेगा। अब इनको डिलीट करते जाएँ यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, और फिर उससे ज़्यादा डार्क ब्लू लेना पड़ेगा और उसको इसी अरेंजमेंट में रखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे ये लाइट वर्जन आ गया जिससे डार्क आ गया, और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक, यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ से आपका डार्क ब्लू करेंगे और फिर ये डार्क ब्लू हो जाएगा, एच एस पी पे जाएंगे, ठीक है, एच एस पी पे, ठीक। अब उस तरह से यहाँ पे आप लाइट वर्जन और लगा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर यहाँ पे लाइट को क्लिक क्लिक करेंगे, इसका और लाइट वर्जन लेंगे जो यहाँ पे रखेंगे और उसको क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे और जैसे डबल क्लिक करेंगे खुलेगा तो उसका भी लाइट वर्जन आप यहाँ से कर लेंगे। इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, वाइट करेंगे थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद इसका एक और ऑल्टर करके डुप्लीकेट ले लेंगे, देखिए इस तरह से एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा उसके ऊपर, फिर यहाँ पे फिर इस तरह से, तो इस तरह से ये ग्लास का रिफ्लेक्शन आप इस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप ब्लू ग्लास का रिफ्लेक्शन आप इस तरह से बना सकते हैं, तो इस तरह आप अपने ग्रेडियंट भी पर्सनली बना सकते हैं, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेडियंट वो मोर कलर्स का हो सकता है, मैंने आपको इसमें बताया कि ग्रेडियंट जो है अगर टेक्स्ट पर लगाना तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट लगाने का तरीका, यूजुअली आप टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई होगा नहीं, तो टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले टेक्स्ट जो है आप इसे बना लें और उसको ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर एक इसको करेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड करके इसको आप देंगे ओके। तो जैसे एक्सपेंड करने से हो ये रहा है कि ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया शेप के अंदर, अब जब ये शेप में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप उसे जिस तरह का चाहें ग्रेडियंट लगा सकते हैं, चाहे रेडीमेड लगाएं और या आप बना के लगाएं और फिर उसको भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, या फिर इस तरीके से आप इसको ग्रेडियंट एक्सपेंड अप्लाई कर सकते हैं जैसे शेप से करें, और इसका रेडियंट ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं इस तरह का, देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ग्रेडियंट शेड इसके ऊपर बन गया। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, और अगर ये वाला ग्रेडियंट टेक्स्ट पर लगाना है तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर ये वाला टूल लेना है और फिर उसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वाला ग्रेडियंट भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर लीनियर में लगाना है, रेडियल में लगाना है, वो यहाँ से डिसाइड करेंगे रेडियल और ये हो गया लीनियर टाइप की, और फिर यहाँ से आप इसके मल्टीपल और स्टाइल्स के हमारे पास ग्रेडियंट पड़े हुए, इस तरह का ग्रेडियंट लगाना है, इस तरह का ग्रेडियंट लगाना है, यहाँ से आप टेक्स्ट के ऊपर भी बेहतरीन किस्म के ग्रेडियंट लगा सकते हैं, तो स्टेप के साथ साथ टेक्स्ट पर भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं। तो ये था सारा ग्रेडियंट के हवाले से कि ग्रेडियंट किस तरह से लगाए जाते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो आपको आइडिया हो गया ताकि आने वाले स्टेप्स हैं उसके ऊपर अगर ग्रेडियंट लगाना पड़े तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सारा का सारा।